कि उनको पाकिस्तान दिया जाए जी। पाकिस्तान मिला लेकिन आधे से अधिक लोग यहीं रुक गए। आज फिर वही मांग जो कि तू उठ रही है, आपातकाल के अंदर मैं 8 महीने जेल में रहा हूँ तो संविधान के अंदर कहाँ ये अधिकार दिया गया है कि विरोधी दल को जेल में डाल दो। बात अगर 90 के दशक की जाए तो भाजपा का एक राष्ट्रीय नारा बना था, कसम राम की खाते, मंदिर वही बनाएंगे, साथ साथ इसके जय जय श्री राम गांव गांव में गूंजा था और गूंजा था ये नारा कि जय मंदिर को लेकर, क्योंकि जब मंदिर जय माना जाए तो जय 500 साल पुराना वहां पे एक इतिहास रहा है कि मंदिर भगवान श्री राम का जो वहां पे बनना चाहिए था उस मंदिर के लिए तमाम प्रयास किए गए। बाद में जो है उसमें कांग्रेस की सरकार ने एक बड़ा ताला वहां पे लगाने का कार्य किया है, लेकिन देखा जाए मोदी जी सरकार बनी है, मोदी जी की सरकार ने यह एक प्रण लिया कि यह मंदिर बनाया जाएगा, किसी से छिपा भी नहीं है, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा जो है भव्य रूप से हुई है। लेकिन इन नारों के क्या मायने हैं, भाजपा जो है बार बार इस तरह के नारे लेकर क्यों आ रही है? सियासत रूप से देखा जाए तो यह हाल फिलहाल में भी दो तरह के नारे जो यूं कहा जाए कि जो पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में गूंज रहे हैं, बीजेपी के जो बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व के जो हमारे नेता हैं या शीर्ष नेतृत्व देखने वाले हैं वो उस नारों को जो पूरा प्रचार प्रसार के माध्यम से और तमाम तरह के मीडिया जो है उन तरह के नारों को जो है आगे बढ़ाने का प्रचार करने का कार्य कर रही है, उन नारों पर जो पूरी चर्चाएँ हो रही है। नारे है एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, मोदी जी का योगी जी का नारा है, बातचीत करेंगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जीडी न्यूज के साथ में जुड़ चुके हैं लोकतंत्र सेनानी आचार्य राजेंद्र अटल जी, वरिष्ठ नागरिक हैं, बौद्धिक स्तर से जो है चर्चा करने वाले व्यक्ति हैं और बात करेंगे चर्चा करेंगे इन नारों को, योगी जी के नारों को, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, मोदी जी के नारे को कैसे देखते हैं, कैसे विश्लेषण करते हैं, किस तरह की चर्चा इनके इन नारों को लेकर रहेगी। राजेंद्र अटल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज में, आप जुड़ चुके हैं जीडी न्यूज से। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, आप पधारे हैं। और जहाँ तक योगी जी की बात है, योगी जी तो एक विलक्षण प्रतिभा के धनी क्रांतिकारी व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और उनकी कोई सानी नहीं है, जो उन्होंने ये नारा दिया है वो अपने आप में एक अद्भुत है। और मैं चूंकि श्री राम कार सेवा से जी जुड़ा रहा हूँ लंबे समय से, आप जुड़े मैंने वैसे शुरुआत कर रहा हूँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ आपने मुझे इस विषय पर भी आमंत्रित किया है जी। जी जहाँ तक इस नारे की बात है जी, ये तो मूलभूत नारा है जी, नारा नहीं ये आवश्यकता है जी, देश की और समाज की जी। इसलिए ये कोई अजीब बात नहीं है, अजीब विचार नहीं है, ये तो माननीय श्री योगी जी ने एक भारत की जो आत्मा की आवाज है उसको एक प्रस्तुतिकरण किया है जी, उनके मुख श्री मुख से ये एक बहुत ही विलक्षण बात प्रस्फुटित हुई है जी, जी। और वो इस रूप में जी, देश का अगर इतिहास हम लें जी, तो देश के इतिहास में जी, बड़े बड़े वीर योद्धा जी, शिवाजी जी, राणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी, ऐसे अनेक देशभक्त हुए हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए शहीद हुए, देश के लिए लड़े जी, जी। और झुके नहीं, बर्बर आक्रमणकारी आए उन आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के लिए उन्होंने न केवल अपना बलिदान दिया, गुरु गोविंद सिंह ने तो अपने बच्चे भी दीवारों में उनके चुने गए जी, फिर भी वो झुके नहीं और उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। हम इसी परिप्रेक्ष्य में ये देखते हैं कि इतने लोग देश के लिए शहीद हुए, मरे, कटे जी। और कटे इसलिए कि हिंदू समाज जुड़ा नहीं, जुड़ेंगे नहीं तो कटेंगे, ये अपने आप में सत्य बात है। और आज की संदर्भ में भी यही लागू होता हो रहा है पूरे देश की राजनीति पर, पूरे समाज की रचना पर जी। आज भी हिंदू समाज जुड़ेगा नहीं तो यही होगा जो आज तक होता आया है
जी आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। ये बात आप कर रहे हैं हिंदुत्व की, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए अगर इतिहास को देखा जाए, खंगाला जाए या इतिहास पर चर्चा की जाए, तमाम तरह के जो प्रयास किए गए, तमाम तरह के जो हिंदूवादी नेता हमारे बीच में आए हैं, और आक्रांताओं का भी एक युग रहा है जिन्होंने जो भारतवर्ष को जो गुलाम बनाकर इतिहास में जो देखा जाए तो जो चाहे वो अंग्रेज रहे हो, आक्रांता रहे हो, मुस्लिम रहे हो, मुगल रहे हो, कोई भी चाहे रहे हो, शास्त्रों से ज़्यादा सालों तक जो भारत को गुलाम बनाकर रखा और यहाँ की सभ्यता, यहाँ की जो संस्कृति को यह कहने के प्रभावित करने का कार्य किया गया। लेकिन अब जब देश संविधान से चल रहा है, बाबा साहब ने सुंदर दुनिया का सबसे अच्छा जो संविधान हमारे हाथों में सौंप दिया है, तो जरूरत क्या आन पड़ी है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, भारत का हर व्यक्ति नागरिक है, ऐसे में भयभीत किससे हैं? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, जो जरूरत आज से 200-300 साल पहले थी जी, 100 साल पहले थी जी, 50 साल पहले थी जी, आज भी वो परिस्थितियां जू की तू है जी। संविधान से सुधार नहीं, संविधान से सुधार नहीं है क्या? देश आजाद हुआ जी, संविधान बना जी, लेकिन देश आजाद होने के बाद भी आज भी जू की तू परिस्थितियां हैं जी। आज जो समय मांग थी जी एक समाज की जी, मुस्लिम समाज की जी, कि उनको पाकिस्तान दिया जाए जी, पाकिस्तान मिला जी, लेकिन आधे से अधिक लोग यही रुक गए। आज फिर वही मांग जो कि तू उठ रही है कि लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लिया था पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, या जो कह सकते हो हंस के लेंगे हिंदुस्तान, आज भी उनके मन में यही विचारधारा चल रही है। उनके मतलब मुस्लिम समाज के, मैं तो साफ कह रहा हूँ, मुस्लिम समाज के मन में जो उस समय बात थी 1947, मांग तो खालिस्तान की उठी है सर। देखिए वो मैं अभी का जिक्र करता हूँ, अभी कनाडे में जाके जो जमीन से जुड़े हुए लोग नहीं है, जो इस प्रकार के तत्व हैं वो उठाते रहेंगे, उठती रही है जी। भगत सिंह के जमाने में भी, चंद्रशेखर के जमाने में भी, रानी लक्ष्मीबाई के जमाने में भी, इस प्रकार के जो समाज के अंदर गद्दार लोग हैं वो इस प्रकार की बात करते रहे और करते रहेंगे, आगे भी होगा। सुभाष चंद्र बोस के जमाने में ही हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश के लिए युद्ध किया जी, लेकिन और सैनिक आक्रमण भी किए जी। तो केवल जो हमारा देश की आज़ादी है वो इतने लोगों के बलिदानों के बाद हमें आज़ादी मिली है जी। लेकिन हमारी समस्याएं जो कि तू है जी, ऐसे कानून बनाए गए संविधान की आड़ में जी, कि वो कानून के ऊपर कानून हिंदू समाज के ऊपर लाद दिए गए, हिंदू समाज को एक अंकुश के अंदर बंद कर दिया गया। संविधान पे उंगली उठा रहे हैं सर आप? मैं संविधान पे नहीं, संविधान के अंदर बनाए गए कानूनों पे उठा रहा हूँ। संविधान ने आजादी नहीं दी, आपातकाल के अंदर मैं 8 महीने जेल में रहा हूँ, तो संविधान के अंदर कहाँ ये अधिकार दिया गया है कि विरोधी दल को जेल में डाल दो? और विरोधी दल को जेल में डाल दिया है, लाखों लोग आपातकाल के अंदर जेल के अंदर बंद रहे जी। उस समय न्यायपालिका का भी गला घोट दिया गया था जी। और आपातकाल भी संविधान का हिस्सा था, लेकिन उसको रूप बदल दिया। आपातकाल तो इसलिए लगाया जाना था कि देश के अंदर बाहर से कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, आंतरिक पैदा हो जाए, लेकिन चूंकि इंदिरा गांधी हार गई थी चुनाव में, और चुनाव में उसको सियासती लाभ लेने के लिए, सियासती लाभ लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया जी जी। तो वो कहाँ संविधान के अंतर्गत था जी। इसी प्रकार आज ये बात हो रही है, ये कानून बनाया गया है कि मुस्लिमों के लिए एक ट्रस्ट बना दिया, वो ट्रस्ट वो चाहे जिसकी संपत्ति को अपनी घोषित कर दे। मैंने सुना अभी बंगाल के अंदर जो बंगाल का राज्यपाल है, राज्यपाल हाउस को भी उन्होंने कह दिया ये हमारा है, पार्लियामेंट को भी कह दिया गया हमारी, वक्त की बात ही कर रहा हूँ जी हाँ। तो ये कहाँ सीधा सीधा कहना भी आप चाह रहे हैं कि ये हमें जो डर है, जो मोदी जी और योगी जी जो नारा दे रहे हैं वो कहने के लिए मुस्लिम को लेके दे रहे हैं, लेकिन फिर उस बात पे लौटता हूँ, देश में हर व्यक्ति संविधान के अनुरूप जो है समान नागरिक है, सभी को समान रूप से अधिकार दिया गया है, भय सताने का आखिर कारण क्या है? क्या संविधान पे विश्वास नहीं है? शासित लोग जो इस तरह का नारा दे रहे हैं,
क्या इस नारे से आपसी समन्वय में आपसी सामाजिक जो परिवेश है हमारा उसमें विघटन नहीं होगा, उसमें बंटवारा नहीं होगा, आपस में जो हमारी है गंगा जमुनी तहजीब मानी जाती है, आपस में भाईचारा माना जाता है, ईद उनके घर में होती है तो खुशी हमारे यहाँ होती है, होली दिवाली हमारे यहाँ होती है तो ये खुशियाँ वो मनाते हैं, तो उसमें कहने के इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ेगा क्या? देखिए हमारा मानना ये है कि समाज के अंदर जब भेद हो रहा है, एक भाई का तो 10 बच्चे हैं उसका आयुष्मान कार्ड सबका बन गया, एक भाई का आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन रहा, जनसंख्या को राशन दिया जा रहा एक को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, और जनसंख्या की बात तो यह है जिसके 10 बच्चे हैं उसको आयुष्मान कार्ड है, जिनके 2 बच्चे उनको है ही नहीं, ये तो सरकार की गलत नीति है। हाँ, तो ये भी तो संविधान के अंदर आता है कि नहीं? संविधान में जब सबको बराबरी का दर्जा दिया गया, एक परिवार के 10 वोट हैं, एक परिवार के 2 वोट हैं, मेरा मानना ये है कि हर परिवार को बराबर वोट कर दो, एक वोट हो एक परिवार का या 3 वोट हो, एक परिवार के 10 वोट हैं, एक परिवार के 2 वोट हैं, एक परिवार का 1 वोट है, तो ये जो बराबरी नहीं है ये सत्ता का विषयांतर है, ये संविधान का मखोल उड़ाया जा रहा है। संविधान जब कायम होगा, जब लागू होगा, जब सबको, सब परिवारों को, सब जातियों को, सब बिरादरियों को बराबर का दर्जा दिया जाएगा, आज की तारीख में कहीं बराबर का दर्जा है ही नहीं, न चिकित्सा में, न शिक्षा में, न नौकरी में, योग्यता के आधार पर नौकरी हो वो नहीं है, वो परिवार के आधार पर, जाति के आधार पर वो नहीं है, आयुष्मान कार्ड सबको मिले वो नहीं है, तो ये संविधान इसको थोड़ी कहते हैं, ये संविधान के अंदर इन्होंने गलत ढंग से ऐसे कानून बनाए गए हैं जिससे समाज का मखौल बन रहा है, समाज में विभाजन पैदा हो रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के नारों से जो समाज में जो शांति या समाज में जो स्थापना होनी चाहिए, नवनिर्माण भारत का होना चाहिए, समाज में आपस में जो प्यार है वो जो स्थापित रह पाएगा इस तरह के नारे? बांग्लादेश में हिंदुओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर बांग्लादेश के निर्माण में योगदान दिया जी। लेकिन एक दिन के अंदर जी ऐसी सरकार को हटा के एक इस्लाम की सरकार बना दी गई, अफगानिस्तान में क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ जी। तो ये सब जगह हम देख रहे हैं जी। इसलिए जो योगी जी ने कहा है, मोदी जी ने उसका समर्थन किया है, ये बिल्कुल सच है, सबके लिए बराबरी जब ही आएगी, जब सबको बराबरी का सम्मान मिलेगा। अटल जी, क्या आपको लगता है कि जब प्रधानमंत्री, हालांकि मैं राष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान के रूप में सबसे बड़ा सर्वोच्च पद माना जाता है हिंदुस्तान में, अगर देखा जाए, भारत में अगर देखा जाए, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री से ज्यादा शक्ति किसी के हाथ में निहित है या मुख्यमंत्री से ज्यादा जो है बहुत बड़ी शक्ति? नहीं, मेरा मानना तो ये है, ऐसे में नारे देना संवैधानिक पदों पर रहते हुए, कानून बने अच्छी बात है, समानता की चीजें की जाए अच्छी बात है, आपने विषय उठाया, चाहे वो आयुष्मान का उठाया हो, चाहे वो राशन कार्ड का उठाया, तमाम चीजों का आपने विषय उठाया, जनसंख्या के भी कहने के मांग की जा रही है, तमाम तरह का कानून लाई है भाजपा सरकार, चाहे वो 3 तलाक रहा हो, धारा 370 हटाने की बात रही हो, तमाम तरह के क्या सुधारात्मक कार्यक्रम या सुधारात्मक कानून नहीं लाने चाहिए बजाय नारे देने के? नहीं, सुधारात्मक कानून तो लाए ही जाएंगे और लाए जाने चाहिए, सब परिवारों में बराबर का भेद खत्म करके जो जनसंख्या है उस पर भी नियंत्रण आएगा, आना चाहिए, शिक्षा में भी परिवर्तन आना चाहिए जी। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और जहाँ तक राष्ट्रपति जी की आपने बात कही है, मेरा मानना ये है भारत देश के लिए अमेरिकन पद्धति की तरह पूरे देश का चुनाव एक होना चाहिए और राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री 2 पद ये जो है इसका कोई लाभ नहीं है, हजारों करोड़ों रुपए का अपव्यय है जी। ना राज्यपाल की आवश्यकता है, ना राष्ट्रपति की आवश्यकता है, एक ही राष्ट्राध्यक्ष कह लो उसको, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कह लो, वो होनी चाहिए और प्रधानमंत्री को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी के मंत्रिमंडल बना सके, कोई जरूरी नहीं वो MP हो। इस प्रकार के कानून और संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता जब भी थी और आज भी है और भविष्य में बनाए जाना बहुत उचित होगा। देश में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट लागू होगी, सारे देश का एक चुनाव होगा,
बार बार चुनाव होते हैं, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, जिला परिषद, ब्लॉक के चुनाव, इतने चुनाव सिर पे लाद दिए गए हैं, पूरी मशीनरी को काम करने का मौका ही नहीं मिलता। तो अब जो संशोधन आया है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में संविधान समिति बनाई गई है, मैंने भी उसमें अपना सुझाव भेजा है जी। और ये उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उन्होंने इसका समर्थन किया, एक चुनाव पूरे देश के लिए होगा, तो बहुत ही उचित है, संविधान सम्मत है, संविधान के विरोध में कोई बात नहीं है, तो वो होना चाहिए। और जो सुधार की आवश्यकता है संविधान में, वो भी किए जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो भय है संविधान बदला जाएगा, भाजपा संविधान बदल सकती है, कहने संविधान तो इंदिरा गांधी ने बार बदला, वो संशोधन था, मैं ये कह रहा हूँ, ये भी संशोधन, वो संशोधन था, आप पूरी व्यवस्था बदलने की बात करिए, तो कहने के वो जो भय है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है भाजपा, आप भी भाजपा से, मेरे व्यक्तिगत विचार है जी जी, मैं तो राम सोच, तो भाजपा से रहा हूँ, संयोजक रहा हूँ, लोकतंत्र सेनानी रहा हूँ, भाजपा में मेरे पास कोई पद नहीं है, लेकिन मेरे अपने विचार है कि संविधान में भी जन आकांक्षाओं को पूरी करने की क्षमता होनी चाहिए, अगर सुधार की आवश्यकता है तो सुधार स्वागत योग्य है जी। एक अंतिम सवाल आपके ओर आ रहा है कि रजिस्टर के नारे दिए जा रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, क्या किसी वर्ग विशेष को डराने का कार्यक्रम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक रहेंगे तो सेफ निश्चित रूप से रहेंगे। और मेरा तो मानना यह है, हिंदुओं पे ही रोक लगाओ, आप हिंदुओं पे लगा दो, अपनी प्रॉपर्टी किसी भी हिंदू हिंदू को ही बेचेगा, उसकी वजह है एक कॉलोनी में दूसरा कोई व्यक्ति खरीदता है तो फिर सांप्रदायिक दंगे पैदा होते हैं, झगड़े पैदा होते हैं, तो कानून भी ये बनना चाहिए कि हिंदू अपनी प्रॉपर्टी हिंदू को ही बेचे, जिससे सांप्रदायिक द्वेष भावना ना पैदा हो, किसी मुस्लिम एरिया में हिंदू को खरीदने की जरूरत ना पड़े और हिंदू के एरिया में मुसलमान को खरीदने, मतलब वर्गीकरण होना चाहिए, कहने का ये तो हो ही रहा। यहाँ पर 7 मंदिर सहारनपुर में ऐसे हैं जो खाली हो गए हैं और इंतजार देख रहे हैं कोई पूजा के लिए आए, गलियां खाली हो गई हैं, एक मुस्लिम ने मकान खरीद लिया तो पूरा मोहल्ला खाली हो गया, सहारनपुर में है ये। कश्मीर की बात छोड़िए, सहारनपुर के मंडी में आप चले जाइए, मस्जिद जहाँ पर मंदिर खड़ा हो, अकेला मंदिर है, मंदिर में पूजा करने वाला नहीं कोई। अब बोटे साहब मंदिर जैसे जगह की बात, बोटे साहब मंदिर तो 50 साल के बाद, 500 साल के बाद आजाद हुआ है, लेकिन पुरानी मंडी के अंदर अभी भी कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ जिसकी गली में हिंदू जा नहीं सकता। क्या लगता है आपको, कोई रोकता है वहाँ जाने से? मेरी तो गाड़ी पे गोटे शाह की मंदिर के मैं जाना चाह रहा था, आज से 15 साल पहले हमला ही हुआ था। तो क्या हमारे साथ में राजेंद्र अटल जी, जय आचार्य राजेंद्र अटल जी, और जय लोकतंत्र सेनानी है, और इनका कहना है कि जय कहने के संविधान में भी जय खामियां आप बता रहे हैं, सुधारात्मक कार्यक्रम होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। साथ साथ इनका यह भी मानना है कि जय इस तरह के जय नारे दिए जा रहे हैं योगी जी के द्वारा, जय मोदी जी के द्वारा, जय इन नारों के जय कहने की आज के समय में आवश्यकता है। और देश में चाहे वो आयुष्मान को लेकर बात की जा रही हो या वोट को लेकर बात की जा रही हो, कहीं ना कहीं सुधार होना चाहिए। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी आप बात करें कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक चुनाव रहेगा तो देश में जाए अरबों खरबों जो रुपये व्यय होते हैं, अपव्यय होते हैं, उस पर कहने की सुधारात्मक या उस पर जो है पूर्ण विराम लगेगा, कम पैसे में ज़्यादा अच्छा बेटर हो सकता है, ऐसा आपका मानना है। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य राजेंद्र अटल जी।